ये तस्वीर भिवंडी के स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम वंजारपट्टी नाके की है और इस डिवाइडर को आप देख रहे हैं, ये डिवाइडर जानलेवा बन चुका है। बात की जाए तो प्रशासन हर बार जो है यहाँ पर कई सड़क हादसे होते हैं और उसे अनदेखा करती हुई दिखाई दे रही है। एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि एक अल्टर सीमेंट की जो टैंकर थी वो इस डिवाइडर से जा टकराई और एक बड़ी दुर्घटना वहाँ पर होते होते टल गई। लेकिन आपको बता दें कि लाखों रुपए की संपत्ति वहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर टैंकर पलटा तो उसकी चपेट में एक ऑटो रिक्शा आ गए और आसपास में खड़ी गाड़ियाँ भी इस टैंकर की चपेट में आती हुई दिखाई दी। ऐसे में बात की जाए तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नए आयुक्त अजय वैद्य भिवंडी शहर के विकास को लेकर अपनी कमर कसे हुए हैं और कई बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। इस डिवाइडर के कारण कई सड़क हादसे हो चुके हैं लेकिन मनपा प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखा करती हुई दिखाई दे रही है। एक बार आपको बता दें कि आज फिर सुबह के दरमियान यहाँ पर एक अल्टर सीमेंट का टैंकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसके कारण आप देख सकते हैं तस्वीर में कि जो टैंकर है वो पूरी तरह से सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा हुआ था, जिसके चपेट में कई वहां पर खड़ी गाड़ियां जैसे कि ऑटो रिक्शा और गाड़ियां थी इसकी चपेट में आती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि महानगर पालिका की ये लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ना ही तो किसी प्रकार की यहाँ पर जो रेडियम लगाया जाता है वो रेडियम पट्टी नहीं चिपकाई गई है, ना ही यहाँ पर सिग्नल बोर्ड लगाया गया है, जिसके कारण जो वाहन चालक रहते हैं उसे पूरी तरह से डिवाइडर नहीं दिखाई देता और इससे वाहन चालक जा टकराते हैं और सड़क दुर्घटना के वो शिकार होते हैं। महानगर पालिका इन सारे बातों को आखिरकार क्यों अनदेखा कर रही है, ये एक सवालों के घेरे में महानगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं।